आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 572वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज राजनीतिक तौर पर जो हमने अभी आपसे चर्चा की, चार विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, सिवनी, केवलारी, बरघाट और केवलारी, लखनऊ, उन चारों विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हमने आपके इतिहास बताया कि आज़ादी से अब तक यहाँ पर किसका वर्चस्व रहा, कैसा रहा। आज अब हम कांग्रेस की नेत्री सुयोगिता सक्सेना से हम बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अव्वल तो आप सिवनी की आयरन लेडी, सिवनी जिनके नाम से पहचाना जाता है या सिवनी की जो पहचान थी, सुश्री विमला वर्मा केंद्र में मंत्री रहीं, प्रदेश में मंत्री रहीं, सिवनी में अनगिनत सौगातें विमला वर्मा जी के द्वारा दी गई हैं, आप उनकी भांजी हैं, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि सिवनी में कांग्रेस की स्थिति 1990 के बाद अचानक गड़बड़ाई, वर्तमान में कांग्रेस के दो विधायक हैं, इसके पहले ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस के सिर्फ एक ही विधायक होते थे, बाकी विधायक नहीं, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक नहीं होते थे। परिसीमन पुनर् आरक्षण जब हुआ, उस परिसीमन और पुनर् आरक्षण में सिवनी लोकसभा सीट के विलोपन का कोई प्रस्ताव नहीं था, पर विलोपित कर दी गई। गंसौर विधानसभा सीट विलोपित कर दी गई, 5 में से 4 विधानसभा बची, और लोकसभा जो सिवनी हुआ करती थी उस लोकसभा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, मंडला और बालाघाट। तो अब विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी घोषित हो सकते हैं, तो इन विधानसभा चुनावों में आपसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अभी फिलहाल कहां खड़ी हुई है जिला स्तर पर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल में जो कांग्रेस की स्थिति है वो हमें काफ़ी मजबूत नज़र आती है ज़मीनी तौर पे। मैं जितना भी क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है, इसमें जो जनता की आवाज़ आ रही है, इसमें मैं मानती हूँ कि कम से कम 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को आएंगी और 1 बीजेपी को जाएगी, जो जनता का कहना है। पर किस आधार इसके कहने के पीछे, अगर 3 सीट कांग्रेस को कह रही हैं और 1 भाजपा को, तो पहले तो ये बताएं 3 सीट कौन सी आपको लग रही हैं कि जो कांग्रेस को आ सकती है? जी, मेरे हिसाब से तो 4 सीटें ही कांग्रेस को आ रही हैं, और क्योंकि मैं कांग्रेस की सिपाही हूं, मैं कांग्रेस को किसी लेवल पे कम नहीं आ रही। आपने कहा कि जनता का कहना है, तो हो सकता है कि जनता का मूड आप भांप रहे हो, ठीक है, आप निश्चित तौर पर कांग्रेस की सिपाही है, तो आप तो चाहेंगे कि 230 में से 230 ही कांग्रेस को आए, पर जो जनता वास्तविकता इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि आप धरातल पर पकड़ आपकी है, जो आप 4 में से 3 सीट कांग्रेस के पाले में आती दिख रही, एक पर संघर्ष की स्थिति बनती दिख रही है, जो जनता का मूड दिख रहा है, तो कौन सी सीट्स ऐसी हैं? देखिए, 3 सीटें तो कहें कि लखनऊ दौन, केवलारी और जो अपनी बरघाट है, ये क्योंकि इनमें से 2 ऑलरेडी जीती हुई हैं, उन पे मजबूती बताई जा रही है, और जो अपना केवलारी है उसमें भी कह रहे हैं कि काफ़ी रजनीश भैया को काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। क्योंकि सिवनी विधानसभा सीट इकलौती ऐसी सीट है जो 1990 से लगातार 30-35 सालों से हार रहे हैं, उसको आज भी लोग कमज़ोर ही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कोई मजबूत अभी तक दावेदार पेश हो पाया है। लखनऊ दौन की जो खबरें आ रही हैं, लखनऊ दौन में शायद 2 दलों के बीच समझौते की खबरें भी आ रही हैं, जो शायद आपकी जानकारी में नहीं, अभी बहुत सतही तौर पर है। अगर 2 दलों का समझौता होता है तो कांग्रेस के लिए वो मुश्किल पैदा कर सकती है, ये एक अलग बात हो गई। दूसरा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिवनी में 1990 के बाद लगातार 33 सालों से 33 इयर्स, बहुत कम समय नहीं होता है, अगर 1990 में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज 33 साल का होगा, और 33 साल से अगर वो कांग्रेस का विधायक नहीं देख रहा है तो उसके मानस पटल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस विस्मृत भी हो चुकी होगी, जबकि ये सिवनी लोकसभा सीट, सिवनी विधानसभा सीट जो कांग्रेस का गढ़ रही है, उस सब के बाद जिला मुख्यालय में कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी है, नगर कांग्रेस कमेटी है, विकासखंड पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज हैं, उसके बाद क्या वजह है फेलियर की? फेलियर की देखिए वजह ये होती है कि अपने विचारों को जनता तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाना।
जहां आपको विरोध करना चाहिए। कुछ जगहों पे मैं पाती हूं कि कांग्रेस कमजोर हो जाती है, विरोध खुलकर नहीं कर पाती है, और अगर खुलकर विरोध किया जाए और जनता को अवगत कराया जाए कि कांग्रेस की कितनी विकासशील अगर योजनाएं हैं और जनता के लिए वो क्या करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से हार का कोई कारण नहीं। आपकी बात से हम सहमत हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जनता तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। जनता तक, देखिए आपसे एक और जानकारी हम चाहेंगे कि आपके यहाँ जो संगठन का सेटअप है, संगठन का सेटअप राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, चारों जगह है जी। और चारों जगह आपके यहाँ प्रवक्ता होंगे, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय, सब सारे जगह एक पूरा स्ट्रक्चर होगा जी। फिर क्या कारण है कि सिवनी जिला स्तर पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बात करने की बजाय कांग्रेस या भाजपा, कोई भी जिला स्तर का संगठन सीधे सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनको निशाना क्यों बनाते हैं? देखिए क्या होता है, अगर हम देखें राष्ट्रीय लेवल पे भी देखें या प्रदेश लेवल पे भी देखें, जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाए जाने का ये ट्रेंड लगातार चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सिवनी में भी यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, एक नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें क्या होता है कि एक मुद्दे पे अगर बात की जाती है तो अचानक से कोई दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है, लोग उसकी चर्चा करने लग जाते हैं, वो दूसरा मुद्दा पूरा नहीं होता है। विषय हमारा सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ इतना है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं जिला स्तर के प्रवक्ता अगर बात करते हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी अगर बात करते हैं, तो विधायक या सांसद जो अपोजिशन के हैं, उनके विधायक या सांसद के खिलाफ जब उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके कदमों के खिलाफ अगर बात की जाती है, तो फलाने प्रकोष्ठ के फलाने पदाधिकारी, जबकि अगर आप आदि अनादिकाल से देखा जाए, राजा से राजा लड़ता है, वजीर से वजीर लड़ता है, पैदल से पैदल लड़ता है, यहाँ तो पैदल से भी छोटा जो सिपाही है उसको राजा से लड़वाया जाता है। राजकुमार खुराना चुनाव लड़े, दिनेश राय से पराजित हुए। मोहन चंदेल चुनाव लड़े, दिनेश राय से पराजित हुए। ये लोग दिनेश राय की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली के अगर कोई गलत है तो गलत को गलत क्यों नहीं कह पाते? हिना कांवरे लोकसभा में चुनाव लड़ी, वो अगर कहीं गलत हैं तो वो क्यों नहीं कह पाती हैं? क्या आपको जिताया जाएगा तभी आप जनसेवा करेंगे? नहीं, जनता की सेवा केवल जताए जाने पे नहीं होती। जनता की जो भी सेवा है, जो एक सच्चा जननायक होगा, वो चाहे सत्ता में रहे या नहीं रहे, वो अपनी जनता की सेवा करता रहेगा। और जहाँ तक रही बात मुद्दे उठाने की, मुद्दे उठाए जाते हैं, कई लेवल पे उठाए जाते हैं। जैसे आपने एक शतरंज की बात निकाली कि प्यादा प्यादा से लड़ता है, वजीर वजीर से लड़ता है, परंतु शतरंज की बिसात के ये भी होता है कि अगर प्यादा आखिरी में पहुंच जाता है तो वो स्वयं राजा भी बन जाता है। हम बिल्कुल सहमत हैं, प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं से सांसद होंगे, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं से विधायक होंगे। शतरंज की ये बात आपकी सही है। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद रही, जलावर्धन योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई, 6 मीटर पानी, 3 मंजिल पानी चढ़ना चाहिए, आपके यहाँ 1 मंजिल भी पानी नहीं चढ़ पा रहा है बिना मोटर के। मॉडल रोड 10 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक आरंभ नहीं हो पाई, पूरी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई। ट्रैफिक सिग्नल्स जितने भी लगे हुए, एक भी चालू नहीं हो पाए। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, मेडिकल कॉलेज का पता नहीं। ऐसी स्थिति में नगर पालिका परिषद जब कांग्रेस की बनी, 1 साल पूरा हो गया, संगठन आखिर दबाव बनाने में कहां असफल है? क्योंकि नागरिकों से आप हैं, आपके मतदाता चाह रहे हैं उन्हें सुविधा मिले, और संगठन पूरी तरह दबाव नहीं बना पा रहा है। मॉडल रोड पर अब लिपापोती की तैयारी है, जलावर्धन योजना के ठेकेदार का पैसा निकल रहा है, जबकि इसी जलावर्धन योजना, इसी मॉडल रोड, इसी सब के लिए जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो इतना चीख पुकार होती थी जिसकी हद नहीं। क्या वजह है कि क्या ऐसा सत्ता में आते ही सारी चीजें सीमेंट में पानी पड़ते ही सेट हो गई? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ। जब से नगर पालिका अध्यक्ष माननीय शफीक भाई बने हैं, सब चीजें हुई हैं, उन्होंने कई जगहों पे कई सारे काम करवाए हैं। काम की बात नहीं, हम बात आपसे मूल मुद्दे की बात कर रहे हैं, जलावर्धन योजना की जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है? ठेकेदार को पैसा दे दिया गया, मॉडल रोड की जाँच क्यों नहीं हो रही है?
उस ठेकेदार काम करके उसको जो गारंटी पीरियड भी खत्म हो चुका है। अभी दलसागर की खाली कराया गया, सिल्ट निकाले बिना काम चल रहा है। अगर सिल्ट निकाली जाती है तो अब अगली बारिश का हमें इंतजार करना होगा। तो आखिर क्या वजह है, संगठन का ऐसे फेलियर माना जाए? नहीं, इसे संगठन का फेलियर नहीं कहा जाएगा। इसकी जो बातें हैं इसके पीछे, देखिए मुझे भी पूर्णतः जानकारी नहीं है, मैं आपको सही बात ये कहूँ। इसके लिए जब तक मैं वहाँ जाके पता नहीं करती हूँ कि क्या रीजंस हैं, ये सारे काम क्यों नहीं हुए, मैं अपने आप को बोलने में असमर्थ हूँ। आपकी असमर्थता हम समझ सकते हैं, हमारा कहना ये, एक साल पूरा हो गया, एक साल में कांग्रेस शासित नगर पालिका अभी इन सारे मामलों को नहीं कर पाई है। सिवनी में ट्रामा केयर यूनिट एक बना था 2013 में, 10 साल बाद भी वो ट्रामा केयर यूनिट आरंभ नहीं हो पाया, पर कांग्रेस के एजेंडे से वो ट्रामा केयर यूनिट गायब। देखिए अभी जो आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें ट्रॉमा केयर यूनिट का जो एक है एजेंडा, उसके मांग जो है वो रखी जाती है। ट्रॉमा केयर यूनिट की मांग आप बात कर रहे हैं 2013 में, ट्रॉमा केयर यूनिट की बिल्डिंग तैयार हो गई वैसे ही जैसे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, पर 15 महीने की आपकी सरकार आती, उस 15 महीने में भी आपके प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे, जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना, नगर अध्यक्ष इमरान पटेल, ये उसे चालू नहीं करा पाते, और आप कह रहे हैं कि अब मांग करेंगे, जबकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपके पास है उसको। मैंने मांग मतलब उसको यहाँ पे लाने की नहीं, उसको चालू करने की जो मांग है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसके लिए ट्रामा केयर यूनिट चालू करने के लिए, देखिए आप, मैं आपको बता दूं, ट्रामा केयर यूनिट अगर आपको चालू करना है तो आपको कुछ मांग की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपके प्रभारी मंत्री 4 पद यहाँ स्वीकृत कराते और चालू हो जाता। देखिए ये ऊपर की राजनीतिक बातें हैं, और उस समय मैं कहूँगी कि मैं यहाँ पे थी नहीं, और जो सवाल आपने मुझसे किया है इसके बारे में मेरे पास विस्तृत जानकारी बिल्कुल नहीं। अब हमने आपको ये जानकारी दे दी, अब आप ये बताएं कि इस मामले में क्या आप भाजपा के विधायक दिनेश राय, जो पहले निर्दलीय भी रहे हैं, 10 साल वो विधायक रहे, उनका फेल्यूर मानते हैं? बिल्कुल कहेंगे कि क्योंकि जो विधायक है, पहले तो लोकल विधायक जो है उसकी जिम्मेदारी आती है कि यहाँ की जनता की सुविधाएं, जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं उनको वो पूरा करें, और अगर आज वो नहीं हुआ है तो कार्यकाल जो दिनेश राय मुनमुन भैया का है वो पूरा ही मैं कहूँगी एक फेलियर के रूप में आया है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे पहले सैंक्शन होना चाहिए तब बिल्डिंग बननी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए सिवनी में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI यहाँ पर चलता था, SP बंगले के सामने किराए के भवन में संचालित होता था, KL राजपूत जी के मकान में, 10 साल वहाँ चला, उसके बाद भवन बना। सिवनी का पहला कॉलेज शिखर चंद जैन महाविद्यालय, जहाँ विमला वर्मा जी ने पढ़ाया भी है, वो पहले जो अभी वर्तमान अस्पताल के ठीक सामने एक भूत बंगला जो जिसे कहते हैं वहां लगता था, उसके बाद फिर नॉर्मल स्कूल के भवन में लगा। उसका भवन, डिग्री कॉलेज का अपना भवन बहुत बाद में बना, यहाँ ट्रामा केयर यूनिट की बिल्डिंग बनके तैयार है, और ऐसी कम से कम 1 दर्जन बिल्डिंग बनके तैयार है सिर्फ जिनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बाद में बन सकती थी, दाखिला पहले हो जाता तो आज 4th ईयर में स्टूडेंट्स होते। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने जो अभी ये मुद्दा उठाया वो यही है कि पहले तो यहाँ पे डीन जो है वो होने चाहिए थे। डीन की हम आप बता दें, 2018 में जब इसका वो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी थी, तब यहाँ डॉक्टर टकी रजा, जो जबलपुर के मूलतः हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, और उनका छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज डीन बनाया गया था, सिवनी का प्रभार अतिरिक्त दिया गया था, और उनका ननिहाल सिवनी का था, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ लेते थे। अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुखद हुआ, उनको अटैक आया और निधन हो गया, उसके बाद कौन डीन है, ये बात भी पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने दिनेश राय जो विधायक है उनसे पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए ये सवाल मैं अब उठा रही हूँ कि यहाँ के डीन कौन है, यहाँ पे एडमिशन्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, जब एडमिशन होंगे तभी तो बिल्डिंग की उपयोगिता है, अदरवाइज वो एक और खंडहर बनके, जैसे कि आपने बताया ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग खड़ी है उसी तरह से एक और बिल्डिंग हो। विमला वर्मा जी के द्वारा सिवनी में एक गर्ल्स कॉलेज खुलवाया गया था, गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई गई थी बीजावाड़ा में, वो बिल्डिंग भी आज खंडहर हो चुकी है। अब उसके लिए वहाँ कॉलेज नहीं लग रहा है, तो उसका कारण क्या है ये तो पूछना पड़ेगा माननीय विधायक जी से, कि जो पुरानी बिल्डिंग थी, ये 10 साल में विधायक, उसके पहले 10 साल नरेश दिवाकर विधायक रहे हैं।
सभी बीजेपी के विधायकों से यही सवाल पूछेगा ये सवाल मैं पूछूंगी संगठन पूछ रही हूँ संगठन को पूछना चाहिए मैं भी संगठन की एक आप संगठन का हिस्सा आप संगठन का हिस्सा है पर पिछले 10-20 सालों में संगठन पूरी तरह इस मामले में मौन रहा। विमला वर्मा जी एक और आपसे विमला वर्मा जी के द्वारा जब वे मंत्री थी तो एक कांस्य प्रतिमा बनवाई गई थी इंदिरा गांधी जी की जो इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय इतना बड़ा जिला चिकित्सालय जो उस समय में जब 77 में ये बन के तैयार हुआ था 76-77 में तब ये मिनी मेडिकल कॉलेज माना जाता था कि यहाँ मिनी मेडिकल कॉलेज आसपास के 5-7-10 जिलों में जबलपुर के जो मेडिकल कॉलेज के अलावा इतना बड़ा अस्पताल कहीं नहीं था पर वो प्रतिमा वो नहीं लगवा पाए दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए। उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या आप इसे मानते हैं? डेफिनेटली कि जब माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे तब क्यों नहीं लग पाई ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं खोजने की कोशिश करूंगी। परंतु मैं जो मानती हूं कि वो लोग जो हैं दिग्गज लोग थे उनका आपसी जो समन्वय था जो उन लोगों के आपसी मेलजोल था वो क्यों नहीं हुआ उसका कारण तो मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं काफी छोटी थी उस टाइम पे आपने 76-77 बोला तब तो मेरा जन्म उस समय हुआ था। चलिए चलिए खैर एक और हम आपको बता दें विमला वर्मा जब यहाँ मंत्री थी जब विधायक हुआ करती थी तो उनके द्वारा जितनी सौगातें दी गई हैं सिवनी को वो सौगातें अगर हम गिनाएं तो गिनाते गिनाते थक जाएंगे। अगर आप सिवनी में अस्पताल इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय उनकी सौगात है सिवनी में दूध डेयरी उनकी सौगात जो बची नहीं तीसरे अगर आप देखें तो सिवनी में चीफ इंजीनियर इरीगेशन सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर ऑफिस बहुत बड़ी बात थी। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ विमला बुआ की देन है। आसपास 4-5 जिलों में आरटीओ ऑफिस नहीं होते तो सिवनी में आरटीओ ऑफिस उन्होंने खुलवाया था। इरिगेशन का पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री ऐसी ऑफिस सिवनी में खुलवाया था। इसके अलावा आपका इरिगेशन एमपीबी का ऐसी ऑफिस भी सिवनी में उन्होंने खुलवाया था। सिवनी से एनएच होकर गुजरता था तो एनएच का डी डिविजनल इंजीनियर सिवनी में बैठता था। ब्रिज का डिवीजन सिवनी में होता था। एमपीएसआरटीसी का डिवीजनल ऑफिस सिवनी में था। एमपीएसआरटीसी की डिवीजनल वर्कशॉप सिवनी में खुल रही थी जिसके लिए आम अजरिया के थोड़ा सा आगे आप जाइए नींव अभी भी दिखेगी आपको खुद ही हुई वो वहां पर बन रहा था जो बाद में प्रेम नारायण ठाकुर जब परिवहन मंत्री बने तो वो छिंदवाड़ा ले गए थे डिवीजनल। ऐसे न जाने कितनी सौगातें हैं इन सौगातों को जो आपने कहा प्रचार प्रसार आखिर संगठन इनकी इन बातों को दोहराता क्यों नहीं? क्या विमला वर्मा जी से संगठन को कोई परहेज है? मुझे परहेज तो नहीं लगता पर गुरेज जरूर लगता है कि कह नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज जब जैसे कि मैंने आपसे कहा मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो आज भी आदरणीय मौसी विमला वर्मा जी का उसी इज्जत के उसी सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आज भी लोग उनकी बातों को भूले नहीं हैं। कई किस्से कई कहानियाँ मुझे सुनने को मिली हैं। कई ऐसे सीनियर लोग हैं जो आज 85 या 90 साल के हो रखे हैं और उनके पास जब मैं गई हूँ तो वो उनकी आंखों से आंसू निकले हैं गला रुंध गया है उन बातों को बताते हुए कि उन्होंने कभी एक बार कभी मौसी किसी के घर गई थी तो छपरा उनका कहना चाहिए नीचे था और अंधेरा था तो मौसी का सर टकरा गया था। कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर उस गांव में बिजली आई थी जब उन्होंने देखा कि इस तरह की समस्याएं हैं। गांव जो अपना कहना चाहिए कुदबारी जो है दिघौरी के पास में वहां पे भी गए तो सुनने को हमें मिला था कि वहां सड़क नहीं थी तो वहां पे आदरणीय हमारे मामा थे उनके घर के आगे तक वहां पे सड़क बनवाई गई थी मौसी द्वारा। ऐसे कई किस्से हैं जो मुझे सुनने को मिले। परंतु ये मुझे लगता है आश्चर्य कि अगर कांग्रेस उन्हीं के जो किए हुए कार्य हैं उनको बता के आगे कांग्रेस की ही उपलब्धियां ये किसी एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां नहीं है कि मैं कहूंगी कि केवल विमला वर्मा जी की उपलब्धियां हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की उपलब्धियां कांग्रेस नहीं होती तो विमला वर्मा जी भी नहीं होती उस पद पर जी उस मुकाम पर जी। तो मैं कहूंगी कि ये कांग्रेस की उपलब्धियां हैं इसको अगर जनता तक सही तरीके से पहुंचाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की हार का कोई कारण बने सिवनी जिले। एक आखिरी प्रश्न आपसे जो अभी सोशल मीडिया और मीडिया पर मैं देखने को मिल रहा है दिनेश राय निर्दलीय चुनाव लड़े फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े अब अगर भाजपा की बजाय वे कांग्रेस से लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस में उनकी स्वीकार्यता होगी?
देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये कि यही सवाल काफ़ी बड़ा है कि क्या वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस में कई दावेदार हैं और कई अच्छे चेहरे हैं जो कि चुनाव रोकते हुए ये कहेंगे कि पिछली बार पिछले 2018 में जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी थी तब भी भाजपा से अच्छे अच्छे दावेदार थे। ये प्रश्न आपका और आपका ही उत्तर कि भाजपा में भी दावेदार थे पर वे टिकट लेकर आ गए थे। जी, तो अगर मैं कहूँगी कि मुनमुन भैया को अगर कमलनाथ जी टिकट देते हैं, क्योंकि वो कहना चाहिए हमारा जो कुटुंब परिवार है उसके सर्वोपरि हैं, अगर उनका आदेश होता है कि नहीं मुनमुन भैया यहाँ से टिकट पाते हैं, तो हम कांग्रेसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो सर्वोपरि हैं उनके आदेश को माने और उनका कहने का तात्पर्य आपका ये कि प्रत्याशी कोई भी हो जिताना कांग्रेस को है, ये आपका कहना। बहुत शुक्रिया आपका। आप विमला वर्मा जी जो सिवनी की आयरन लेडी रही हैं, सिवनी में न जाने कितनी सौगातें, ऐसा माना जाता था जब हम 1983 में पत्रकारिता में आए तब हमने यही सुना था विमला वर्मा जी के बारे में कि उनकी गागर कभी खाली नहीं होती थी, सिवनी वालों ने जो भी मांगा उन्होंने दिया। आप उनकी भांजी हैं, कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अनेक गांव-गांव हम गए हैं, गांव में इनका अच्छी खासी पकड़ भी दिखाई दे रही है, जनसंपर्क बहुत अच्छा है, और सिवनी में ये भी माना जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में एक सशक्त दावेदार के रूप में भी सुयोगिता सक्सेना को देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने राजनीतिक तौर पर सिवनी विधानसभा के बारे में बहुत खुलकर बेबाक तरीके से चर्चा करी, आपका बहुत शुक्रिया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 572वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ पर से देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ एक बार फिर सुयोगिता सक्सेना जी का बहुत धन्यवाद। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।